ये इनको समझाइए कि अमित शाह के बहुत नॉटी है आप। मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नॉटी बोला। ये सब लोग बहुत आदर करती हूँ तिवारी जी, आप बहुत क्यूट है, आप बहुत नॉटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप हंसते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, प्लीज हमेशा हंसते रहा करिए। मेरी औरत बोल रही है चिड़िया। हाँ, अभी बहुत क्यूट लग रहे हैं। और मैडम शायद खान मैडम जानती नहीं है, बार बार बोल रही है पीओके पाकिस्तान ही, इनको समझाइए पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैडम आप पीओके का फुल फॉर्म जानती है? नहीं, आप जानती है पीओके का फुल फॉर्म? नहीं, पहले इनका जीके टेस्ट होगा। नहीं मैडम, पहले खान मैडम का जीके टेस्ट होगा। मैडम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओके? पीओके का फुल फॉर्म क्या है? आप बार बार बोल रही है पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, आप पहले पीओके का फुल फॉर्म बताइए। पीओके के बारे में क्या जानती है? सपोर्ट करें पीओके पे। नहीं, पीओके के बारे में अभी इनसे पूछा जाएगा। पीओके का फुल फॉर्म बताइए मैडम। जी मैं आपने बार बार कहा कि पाकिस्तान है पीओके, बहुत अच्छे से जानती हूं, मुझे सुमित पर ये सब। नहीं, पीओके का फुल फॉर्म तो बताइए मैडम। नहीं, पहले पीओके का फुल फॉर्म पूछिए इनसे। इनको का पीओके का फुल फॉर्म तक पता नहीं होगा और ये पीओके को पाकिस्तान बता रही है। पहले पीओके का फुल फॉर्म पढ़िए गूगल करके, मैं बता दूं पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। मैं बता नहीं पाएंगी, मैं तो बता रहा हूँ। बता कौन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब वो कश्मीर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, समझे? थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहाँ शाण पत्ती सिर्फ शाणों पे चसती है, पुलिस वालों पे नहीं। विराज को ढूंढने की गर्मी में कहीं तो खुद ही ना हो। अभी हम लोग जा रहे थे तो हम लोग की फ्रेंड मिली, बोलती मत जाओ आगे पुलिस वाला है। बोला हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते है, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है ना। मैंने इस लॉकडाउन के बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें बोल रहा हूँ सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है, पर ऐसा नहीं है, रूल सबके लिए सेम होता है। और मुझे शिवाजी नगर की पुलिस अरेस्ट की है बिकॉज मैंने विदाउट मास्क वीडियो बनाया था और रूल्स को तोड़ा था। सबसे बड़ी गलती मैंने किया और मेरे पे कार्रवाई किया जा रहा है, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को। और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे है ना फहद, और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। सॉरी, और मास्क पहने और रूल्स का पालन करें लॉकडाउन को और अपने घर पे। चुप हो जाओ यार, आवाज में रिकॉर्ड हो रही है। जो हमारी मस्जिदों में हो रहा है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। मैं मुसलमान हूं, आप भी हैं, लेकिन ये गौर नॉन मुसलमानों को कहना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये झूठ है। एक मिनट, अब मैं बता देता हूँ। आपने जो एक बात कही है कि मस्जिदों में जिहाद पढ़ाया जाता है, ये नहीं, हाँ। मैंने नहीं कहा ये। फिर क्या कहना? मैंने कहा जिहाद के डॉक्ट्रिन को आप डिनाउंस नहीं करते क्या? आप अपने मुंह से आज कहें, हाँ, कि जिहाद का 21वीं सदी के अंदर कट गया, नेशन स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है, बताइए। मैं कहता हूं लेकिन जिहाद को पहले समझ लीजिए। अरे छोड़ें ये, आप किस जिहाद की बात कर रहे हैं? आप किसी की जान लेना ने जिहाद नहीं है सर। हमारे पैगंबर ने कहा है अगर दो भाई बिछड़े हुए हैं उनको मिला दीजिए, सबसे बड़ा जिहाद है। हजरत अली को किसने मारा मस्जिद में?
कमाल की क्या बात कर रहे हैं, हम कब उनकी पूजा कर रहे हैं? अरे इमाम हुसैन को मानने वालों को हम खुद कह रहे हैं कि मुझे सबसे बड़े आतंकवादी हैं वो, हम खुद कह रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम। आप उनको पढ़िए ना, मोहम्मद कासिम का आदमी क्या किया, क्या किया, क्या किया है उन्होंने? आप जो मस्जिदों में जिहाद की बात कर रहे हैं, आप किस मस्जिद, आप एक मस्जिद की निशानदेही कि जहां ये पढ़ाया जाता है, आप तो यहीं बैठे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम को आप डिनाउंस तो करते हैं, जो आप हजरत अली की बात कर रहे हैं आप, या इमाम हुसैन की बात आपने इमाम हुसैन की बात की है ना, हम तो इमाम हुसैन के कातिल को सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हैं, आपसे सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहे हैं हम। देखिए आराम, क्या अली के मानने वाले को क्या हम पूजा कर रहे हैं? आराम से बात, क्या हम उसको मान रहे हैं? मौलाना साहब सीधा सवाल किया है, एज अ मुस्लिम आप सच बोले मैं भी बोलूंगा जी, मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं? देखिए उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है ये तो हम जानते हैं, आप क्यों उसको हीरो मानते हैं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया, आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया, तो जो आपने पढ़ा हुआ दाहिर की बेटियां अगवा करने वाले, ठीक है 20,000 हिंदू औरतों को भगा के ले गया आपका हीरो है? देखिए आप दिल्ली में किताबें छाप के बांट रहे हैं और मेरे सामने कह रहे हैं क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारा हीरो है? बताइए, हीरो था आज भी हीरो है, सर हीरो रहेगा। सोमनाथ कितनी दफा तोड़वाएंगे आप उसकी तारीख भी तो उठा के देखो क्यों हुआ ये वाकया क्यों पेश आया? और तैमूर, हम तैमूर की बात नहीं कर रहे हैं, औरंगजेब हीरो है हमारा और हीरो रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया, आपके लिए चोर होंगे ना वो, बाप का हमारे लिए वो बनी है, बाप का कत्ल किया नहीं? देखिए क्यों किया, बेटे का कत्ल क्यों किया? आप ये देखिए कि 152 मंदिरों में उन्होंने आज तक जागीरें लगी हुई हैं, औरंगजेब ने लगाई हुई, हज किया उन्होंने? अरे हज क्यों नहीं किया? नहीं किया, कोई वजह रही होगी ना। अरे मौलाना पैसे